हेलो डियर गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी कंपनी जो कि टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस कंपनी में टाइल्स नया बनकर निकलता है और देश विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आज मैं आया हूं यहां पे गुजरात में, और मैं हूं मोरबी में, और मोरबी एक ज़िला है गुजरात में, और यहाँ पर टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सारी है और यह टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मशहूर है। तो आज मैं आपको टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि इसमें कैसे कैसे टाइल्स बनकर निकलता है। पूरा आपको टाइल्स के इस कंपनी का टूर कराने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कंपनी है, और यही एस्टोनिया कंपनी है जो कि एस्टोनिया प्राइवेट सिरेमिक के नाम से है। तो यहाँ पे आप अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टाइल्स बनकर निकल रहा है, और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे टाइल्स बिछे हुए हैं, और ये अभी प्रिंट नहीं हुआ है। जब प्रिंट हो जाता है तो इसमें ग्लो आ जाता है, यानी इसमें चमक आ जाता है, ब्राइटनेस आ जाता है। जब हम इसे दीवारों पर लगाते हैं तो हमको चमकीला दिखाई देता है, लेकिन जब ये निकलता है तो उस पर अभी प्रिंटिंग नहीं हुआ होता है। तो जब प्रिंट हो जाता है तो इस तरह का दिखता है जो अभी लगा हुआ है। ये प्रिंटिंग वाला टाइल्स है, जो डिजिटल प्रिंट जैसे कि जीरोक्स मशीन होता है उसी तरह से ये प्रिंट होता है, और ये जब प्रिंट हो जाता है तो इसमें साइनिंग आ जाता है। और भी आप देख सकते हैं कंपनी कितना दूर दूर तक फैला हुआ है, और ये जो टाइल्स अभी बक्से में भरा गया है इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये जाएगा विदेश, यानी कि फॉरेन कंट्री में जाएगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगा। तो इसी तरह इस पर 120 का पैलेट लगता है, 120 बक्से का एक पैलेट बनता है, और जब ये पैलेट बन जाता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। गाड़ी में भरकर इसे ले जाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में। ये प्रिंट किया हुआ टाइल्स है, जब इसको मशीन में साइजिंग किया जाएगा तो यह बक्सा में भरा जाएगा। अलग अलग डिजाइन का टाइल्स निकलता है, अलग अलग डिजाइन के नाम से रहता है। ये बिस्किट वाला टाइल्स है जो कि अभी प्लेन है, एकदम बिल्कुल सादा है, अभी इस पे प्रिंट नहीं हुआ है। और ये सब जो बोरी में भर के रखा हुआ है, ये व्हाइट कलर का मिट्टी है, इसी से टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसको डाला जाता है और वह पूरा एकदम और अच्छा तरह से इसको बना देता है, और यह इसी से टाइल्स तैयार किया जाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े टैंक लगा है, यानी कि जो हम लोग पानी भरते हैं उसी तरह का यह टंकी है, इसी में हमेशा मिक्स होता रहता है, यानी कि रनिंग करता रहता है। ये है कंट्रोल पैनल, और इसी से सबको कंट्रोल किया जाता है। और ये है प्यूरीफायर, जैसे इसे प्यूरीफाई किया जाता है। और ये गोडाउन है, यहाँ पे टाइल्स रखा है, और यहाँ पे बेल्ट के माध्यम से इसे टाइल्स एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। और ये अभी प्रिंट होने के लिए टाइल्स अभी जा रहा है, ये कच्चा टाइल्स है, जब प्रिंट होगा तो भी कच्चा रहेगा, लेकिन जब ये किलन मशीन में जाएगा तो इसको पकाया जाएगा, जितना इसका टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर जब यह पक जाता है तो यह अच्छे एकदम टाइल्स साइनिंग करने लगता है। ये जो दूध की तरह दिखाई दे रहा है यह पेस्ट है, इसी पे मतलब इसी से पहले लेप चढ़ाया जाता है टाइल्स के ऊपर, वो व्हाइट कलर का हो जाता है, और जब यह डिजिटल प्रिंट में जाता है तो इसको प्रिंट किया जाता है। इसी से किलन मशीन को कंट्रोल किया जाता है, यह कंट्रोल पैनल है, यहाँ से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, कितना कंट्रोल पे चलता है, और ये सब आपको जो मशीन है इसी से कंट्रोल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यह किलन मशीन कितना बड़ा है, जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा है, इसी में से अंदर से टाइल्स
पक जाता है तो बाहर निकलता है। और ये किलन मशीन जो है यह टोटली गैस पे चलता है, बिना गैस के यह नहीं चलता है, पहले कोयले पे चलता था। और यहाँ पे टाइल्स की कटिंग हो रही है, यानी मशीन में डालकर इसको साइजिंग किया जाता है, तब इसको पैकिंग किया जाता है। तो यहाँ पे टाइल्स यहाँ से मशीन के अंदर जाता है, और जब यह मशीन के अंदर जाता है तो इसको अलग अलग तरीके से साइजिंग किया जाता है, तब यह दीवारों पे लग। यहाँ पे बहुत सारे मोटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे मोटर्स के अंदर ब्लेड लगे रहते हैं इस मशीन के अंदर, जो इसको साइजिंग करते हैं, परफेक्ट तरीके से साइज हो जाता है, तो दीवारों पे अच्छी तरीके से मेजरमेंट के थ्रू लग जाता है। और यहाँ पे टाइल्स की चेकिंग की जाती है, यहाँ पे दो लोग बैठे रहते हैं, और इसमें कौन सा फॉल्ट रहता है, अगर फॉल्ट रहता है तो इसको अलग छांट दिया जाता है, जो प्रीमियम रहता है उसको बक्से में भर दिया जाता है। यहाँ पे एक लड़का थप्पा उठा कर दे रहा है और लोग बक्से भर रहे हैं, जब ये बक्सा भरा जाएगा तो इस पर स्टिकर लगेगा डिजाइन वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पायलट बन चुका है, यहाँ पे बहुत सारे पायलट अभी बाकी है, जब यहाँ पायलट बन जाएगा तो इसको गाड़ी में उठाकर फोरक्लिफ्ट के थ्रू रख दिया जाएगा, और गाड़ी लेकर जाएगा यहाँ पे शिप के थ्रू अलग अलग कंट्री में, जहाँ जिसको जाना है वो चला जाता है। और यहाँ पे किलन मशीन से जो कच्चा माल निकलता है और प्रिंटिंग भी निकलता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे माल लोडिंग किया जाता है, गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी यहीं पे आती है और खड़ी होती है लोडिंग पॉइंट पे, और यहाँ से माल लोड किया जाता है, और यहाँ से बाहर जाता है, ये बाहर का रास्ता है। और दाएं साइड की तरफ आपको पूरा पश्चिम के साइड में आपको यहाँ पे ये सब रूम बने हुए हैं, जो वर्कर्स के लिए रखने के लिए बना हुआ है। यह है ऑफिस के अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं ये ऑफिस के अंदर का सीन है, और ये टाइल्स वाला जो कंपनी है इसी का ऑफिस है। यहाँ पे ऑफिसर्स लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, सेठ लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं हम आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।